पहले शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। कहीं छिन जाए ना आजादी, फिर खिले ना सपनों की बातें। एक रिश्ते में बंध कर लेकिन जोड़ ली सब बंधन, कभी छूटे न पिया आंगन, कभी छूटे न पिया आंगन। वक्त चला कर देख ले पत्थर, तोड़ न पाएगा ये दर्पण। कभी छूटे न पिया आंगन, कभी छूटे न पिया आंगन। इसे कहते हैं एक तीर से तीन शिकार करना। वो क्या है कि शंकर का दिमाग और मुंह बहुत तेज चलता है। सर आप पंडित नहीं हैं, ना तो आप साधु हैं ना महात्मा हैं, फिर भी आपको उस कत्ल की वारदात के बारे में सब कुछ साफ साफ पता था। अबे तालो, ये गोला गोला खेलना बंद करो, मारो ताले को। सर मैं शहर के सबसे जाने माने नेता मिस्टर शेरावत के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत लाया हूँ कि उसे अब भगवान भी नहीं बचा सकता। थैंक यू। वैसे इस मारना और मरना इतना कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कार्लटन, मेरे पहचान का एक लड़का है पॉन्टी, और बेचारा उसके पास नौकरी नहीं है, तो क्या तुम उसे एक नौकरी दे सकते? माय गॉड, अरे यार मुझे लगा था तुम कोई चांद सितारे लाने के लिए बोलोगी। समझो पॉन्टी जॉब कर रहा है। ओके हाँ बोलो। थैंक यू, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे नाराज नहीं करोगे। ना नहीं बोलोगे तुम। अब अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो मेरी बात मानोगी? वेल नहीं प्रॉमिस। बोलो क्या? बस इतना कि तुम्हें स्वाति को सॉरी बोलना होगा। सर कमिश्नर साहब वारंट इशू करने से कैसे मना कर सकते हैं, जबकि मेरे पास सबूत और गवाह दोनों हासिल हैं। सर वेल आखिर कुछ सोच समझ कर ही कमिश्नर ने ये वारंट इशू नहीं किया होगा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सर आप ये क्या कह रहे हैं, कम से कम आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। तुम इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हो, आखिर क्या है इस केस में? सर ये कोई मामूली केस नहीं है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो कल तक मीडिया इसको सारे पेपर्स और चैनल्स पर हाईलाइट कर देगा। जरा सोचिए सर कितनी बदनामी होगी आपकी। सर शेरावत अपोजिशन का लीडर है, इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं। मैं तो कहूंगा सर कि लोहा गरम है, यही मौका है वार करने का। काफी समझदार हो इंस्पेक्टर, क्या नाम बताया था? इंस्पेक्टर शौर्य सर। ठीक है तुम काम शुरू कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लोग उस जर्मनी वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या हुआ? अब तक मुझे भी कुछ नहीं पता। ये लो सैंडी का फोन। हेलो दोबारा कहो। आई डोंट बिलीव दिस। श्लोक हमें जर्मनी वाला प्रोजेक्ट मिल गया। सीरियसली टाइम टू पार्टी ड्यूड। मैं फोन करता हूँ, बाय। प्रोजेक्ट मिल गया। कांग्रेट्स। ना तुम कब आई? जब तुम दोनों एक दूसरे के पास हो। कृष्णा वो तुम
You just keep your mouth shut. समझ गई? क्रिस्टिना, stop it. मेरी बात सुनो. भाई तुम लोग तो कमाल की परफॉर्मेंस करते हो. वो एक कहावत है ना, क्या कहते हैं? हाँ, पल में तोला पल में माशा. What a nice तमाशा. क्रिस्टिना, ये कोई तमाशा नहीं है. Exactly. ये तो हकीकत है जो आज मेरी आंखों के सामने है ना श्लोक. क्रिस्टिना देखो, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. मुझे शर्म आता है श्लोक कि मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया. सही, मैं खुद को देखती हूं तो मुझे घिन आती है कि तुमने तुम्हारी उस गंदे हाथों से तुमने मुझे छुआ. क्रिस्टिना बस करो, बस बहुत बोल लिया तुमने. रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी नाम की भी कोई चीज होती है. अरे तुम क्या करोगी प्यार? प्यार का मतलब भी जानती हो तुम? Exactly, look who's talking. अब तुम मुझे समझाओगी कि प्यार क्या होता है? तुम जैसे औरतें तो सिर्फ प्यार का सौदा करने. स्टॉप इट. सौदे के खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा. ओहो श्लोक, क्यों इतना बुरा लग गया श्लोक? मैंने तो अभी तक स्वाति के बारे में कुछ कहा ही नहीं. एग्जैक्टली, तुम क्यों नहीं बुरा मान के? मैं तो भूल ही गई थी. अब तो तुम दोनों एक हो ना. अच्छा होता अगर मैं ये सारी बातें पहले ही समझ जाती. मैं तो प्यार में अंधी हो गई थी ना, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता था. क्रिस्टिना, For God's sake, please try to understand. Please, please, look. तुम तो कुछ मत बोल. तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा. बिल्कुल तोड़ के रख दिया है तुमने. क्रिस्टिना, कुछ नहीं बदला है. जो चीजें पहले थी वैसे ही हैं. जो तुमने देखा वो सच नहीं है. लेकिन एक्चुअली बात एक्चुअली अब तुम लोगों को पता चलेगा. अरे मैं तो यह माफी मांगने आई थी, पर सच्चाई आज अच्छा हुआ कि मैंने अपनी आंखों से देख ली. Now, both of you, just wait and watch. God promise, मुझे जॉब मिल गया है और ये सब तुम्हारी मोहब्बत की वजह से हुआ है. मुझसे इतना प्यार करते हो कौन थी? अपनी जान से भी ज्यादा. अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम अपने फादर से लड़कर मेरे पास आ सकती हो? कहूँ तो आज ही आ जाऊँ. तो फिर मुझसे शादी करोगी? तो तुम्हें शादी की डेट बता दी जाएगी. अरे नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा. बस तुम पैसों का इंतजाम पक्का रखो. हाँ, क्योंकि मुझे इन पैसों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है. अरे अब कितने का क्या मतलब होता है भाई? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जितने भी हो सब तैयार रखो. मिस्टर शरावत, आप रुकिए, मैं देख के आता हूँ. अरे जितना भी हो सब इंतजाम करके रखो. हाँ, 5 करोड़, 10 करोड़ जितना भी हो. सर, इंस्पेक्टर सॉरी आए. हाँ, एक मिनट. साधन जी परेशान कर रखा है यार. हाँ बोल दो कि आज मैं नहीं मिल सकता हूँ किसी से. बोल. इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शरावत साहब. आज मैं मसरूफ हूँ, मुलाकात नहीं कर रहा हूँ. और तुम बिना मेरी इजाजत के अंदर कैसे आ गए? आज मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसके लिए मुझे आपके परमिशन की जरूरत नहीं है. तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो. फिलहाल तो आप कानून के मुजरिम हैं और मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ.
बहुत बकवास कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चिल्लाइए मत। चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। किस जुर्म में? मेरा अपराध क्या है? हाँ, ये तुम लोग पुलिस की वर्दी पहनकर समझते हो जो चाहोगे कर लोगे? अभी एक टेलीफोन करूंगा और तुम कहां होगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये आपका अरेस्ट वारंट, देखिए। तुम नौजवान लोगों के साथ यही तो बड़ी प्रॉब्लम है, जवानी के जोश में अकल से काम नहीं लेते हो। अब यही देख लो। अरे भाई, मुझे अरेस्ट करके तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, सवाए नुकसान के कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, मुझे अरेस्ट ना करके तुम्हें बहुत फायदा हो सकता है। Arrest him. चलो। पापा, पापा, आप कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं बेटा, बस यहीं जा। पापा, आप गए बच जाओ प्लीज। चिंता मत करो, मैं भी आ रहा हूँ फिर। बडोनी, मेरे आने तक मेरी बेटी का ख्याल रखना। ठीक है सर। पापा, बस बेटा, प्लीज आइए। मैं अभी गया, और अभी आया, अभी आया बस, अभी आया। पापा। शेरावत पुलिस के शिकंजे में? तो शेरावत साहब गिरफ्तार हो ही गए आप। अरे ये तो एक दिन होना ही था, बुरे काम का बुरा नतीजा। हेलो, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। अरे मल्होत्रा साहब, क्या हाल है? मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। आप सुनाइए। बस ईश्वर की कृपा है। और क्या खबर है? मेरा बेटा इंग्लैंड से कल रात की फ्लाइट से आया है, तो मैंने सोचा ये खुशखबरी आपको सुना दूं। अरे वाह, ये तो वाकई खुशखबरी है। आप हमें मिल लेना चाहिए और रिश्ते की बात आगे बढ़ा ले। हाँ जरूर, बताइए कब मिलना चाहेंगे? जब आप कहे, हम तो बस तैयार बैठे हैं। अरे मल्होत्रा साहब, क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप ही का घर है, आप आज ही आ जाइए, बल्कि अभी आ जाइए। तो ठीक है, हम फिर कल मिलते हैं। ठीक है, फिर आपका स्वागत है, इंतजार रहेगा हमें। ओके, नमस्कार। अरे भाई नंदिनी, सुनती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो रही है। पॉन्टी मॉर्निंग सर। आप में से मिस्टर पॉन्टी, मिस रिंकी? हाँ, तो आप दोनों बिना किसी जोर जबरदस्ती के इस शादी के लिए तैयार हैं? तो फिर आप दोनों यहां साइन कर दीजिए। थैंक यू। मेरी बारी।
मुबारक हो, आज से आप दोनों शादीशुदा। मुबारक आपको भी। आपको भी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। पांच छह तुम लाइक। अच्छा। Excuse me, ये कुछ है तुम लोग? ठीक है। हनीमून के टिकट। Excuse me। जब चाहे फ्लाई कर जाना। शादी होते ही मेरी किस्मत बदल गई। सर, थैंक यू। हाँ स्वाति बेटा, मैं शरावत बोल रहा हूँ। आपने मुझे कैसे फोन कर लिया? बेटे, जाने अनजाने में कुछ गलत फहमियों की वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। देखिए अंकल, मुझे कभी भी आपकी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप मेरे पिता समान। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं? देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे आपकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। बेटे, मुझे एक मौका दे दो, बस एक मौका, एक बार, बस एक बार मुझसे मिल लो, बेटे, एक बार। सुशील और सुंदर लड़का है, परदेश में रहने के बावजूद भी एकदम हिंदुस्तानी दिखता है। वो मुझे दिखाओ, किसकी फोटो है? अरे अरे वो, अरे वो, अरे पहले मुझे तो जी भर के देख लेने दे। अरे सुन, कितना स्मार्ट लड़का है, पर रिंकी के साथ तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। गेस व्हाट? व्हाट? गेस 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 गेस। बताओ भी यार, तेरे लिए रिश्ता है ना, उस लड़के की फोटो है। प्लीज, मुझे किसी की फोटो नहीं देखनी है। अरे ये तो अभी से शर्म आ गई। अनु, तेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि तू इसे देखे, लेकिन नो प्रॉब्लम, हमें पता है तुझे शर्म आ रही है ना, बट यू कैन गिव योर कमेंट्स। बता कैसा लगा तुझे ये? ये लड़का की कार्टून। अरे शादी के पहले सभी कार्टून दिखते हैं, शादी के बाद इंसान बनते हैं। रिंकी, ऐसा तो नहीं है यार, इस टाइम कूल। तुझे पता है ये रिश्ता जुड़ने से हमारे दोनों परिवार को कितना फायदा होगा? हाँ, वो कैसे? रणवीर जी से रिश्ता होने के बाद हमारा बिजनेस इंडिया से इंग्लैंड तक पहुंच जाएगा, हम वर्ल्ड में नंबर वन हो जाएंगे। ओह, तो ये शादी नहीं, एक सौदा हो रहा है। मेरी कॉस्ट पर आप लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, शादी होने से बहुत कुछ जुड़ जाता है, रिश्ते नाते सब कुछ। बुआ जी, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि घर में क्या हो रहा है। अब टिंकी, अरे इसे अचानक क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, पहले पहले सभी ऐसे घबरा जाते हैं, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने इस जिंदगी में कभी किसी का भला नहीं किया, बस हमेशा अपने लिए ही जीता रहा। इसकी वजह शायद यह है कि मैं हमेशा से बहुत अकेला था। अंकल, लेकिन आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? बताता हूं बेटा, बताता हूं।
स्वाति, ये भी सच नहीं है कि मैंने किसी के साथ भलाई नहीं की। बदकिस्मती से जिनके साथ मैंने भलाई की वो भले लोग नहीं निकले। बस इसी वजह से मेरे अंदर ये कड़वाहट का जहर बढ़ता गया बढ़ता गया। मेरा विश्वास लोगों पर से और इस दुनिया पर से उठता चला गया। लेकिन स्वाति, आज मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि बुराई का अंजाम भी बुराई होता है। अब मेरा क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अपनी बच्ची मंतशा की बहुत चिंता लगी रहती है। स्वाति, मेरे सिवा इसका कोई नहीं है दुनिया में, तुम मेरी मदद नहीं करोगी?